नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल देव जी के ट्रिक्स में। तो दोस्तों, हम लोग यहाँ पर हमेशा की तरह हिंदी का फुल टेस्ट लगाएंगे, जहाँ पर आपकी 60 प्रश्न होते हैं। लेकिन इस टेस्ट में प्रश्नों की संख्या आपकी 75 रखी गई है। स्टार्ट करते हैं। सभी लोगों के जवाब बिल्कुल फटाफट आना चाहिए, क्योंकि ये प्रश्न आपके पढ़े हुए हैं बिल्कुल से, ठीक है। रिपीटेड क्वेश्चन आपके होंगे। चलिए, पहला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा हिंदी साहित्य का काल विभाजन नहीं है? हिंदी साहित्य का काल विभाजन नहीं है। ऑप्शन राइट आपका डी हो जाएगा, वेरी नाइस। ऑप्शन राइट आपका डी हो जाएगा, संयुक्त काल, ठीक है, संयुक्त काल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को आते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है यहाँ पर, निम्नलिखित अनेकार्थी शब्द का दूसरा अर्थ बताइए। अज का मतलब होता है, अज का अर्थ होता है अजन्मा, अर्थात जिसका जन्म ना हुआ हो, इसे यूसर भी कहते हैं, याद रखिएगा। ऑप्शन राइट आपका बी हो जाएगा, यूसर, क्योंकि यूसर का भी जन्म नहीं माना गया है, ठीक है। तो अज का अर्थ ब्राह्मण, ब्राह्मण मतलब कह सकते हैं, इसी हिसाब से कह सकते हैं। आंसर राइट आपका यहाँ पर बी हो जाएगा, समझ लीजिएगा, हमने आपको बताया भी है, कई बार बताया भी हो। चलिए अगला क्वेश्चन का जवाब दीजिए, वह बहुत अच्छा लड़का है में वह कौन सा सर्वनाम है? वह कौन सा सर्वनाम है? सभी का जवाब बिल्कुल साथ आना चाहिए, वेरी नाइस। ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर देखिए, यह, वह, ये जो शब्द होते हैं ये आपके होते हैं निश्चयवाचक में, किस में? निश्चयवाचक में। यह, वह, ये शब्द जो होते हैं वो आपके हमेशा निश्चयवाचक में होते हैं, जैसे यह मेरा घर है, मतलब निश्चय है, ठीक है। इस प्रकार से ऑप्शन राइट जिसका ए आ रहा है बिल्कुल सही है, ऑप्शन राइट आपका ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का आते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया यहाँ पर, कह रहा आपसे यहाँ पर, जेते तुम तारे तेते नम्मे तारे, इस वाक्य पंक्ति में आपके जो पूछा है अलंकार कौन सा है? जेते तुम तारे तेते नभमे तारे, यहाँ पर पंक्ति में जो आपके पूछा गया है कौन सा अलंकार, हमने आपको बताया भी था, प्रैक्टिस सेट में मिला भी था। तो राइट आंसर आपके यहाँ पर हो जाएगा यमक अलंकार। यमक अलंकार कैसे? क्योंकि यहाँ पर आपका कह सकते हैं ये तारे, हाँ ठीक है, ये तारे, या कह सकते हैं आपको मिल रहे होंगे कॉमन वर्ड मिल रहे हैं ना, जेते तेते, समझ में आ रहा है ना। जब कह सकते हैं एक ही शब्द एक से अधिक बार प्रयोग होता है, प्रत्येक बार उसका अर्थ कह सकते हैं प्रश्न अनुसार आपका भिन्न भिन्न हो जाता है, इस प्रकार का यमक अलंकार होता है, होता है ना, बिल्कुल सही। ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर हो जाएगा, सी नंबर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का आते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला है, हथियाना में कौन सी क्रिया है? हथियाना में कौन सी क्रिया है? हथियाना, हथियाना में कौन सी क्रिया है? प्रेरणाथक क्रिया, संयुक्त क्रिया, नामधात या अनुकरणात्मक क्रिया, कौन सी हो जाएगी भाई? हथियाना। तो देखो यहाँ पर कह सकते हैं कि जो आपकी होती है नाम धातु होती है, नाम धातु होती है, नाम धातु, नाम धातु में ही आपकी जुड़ जाती है, नाम धातु में। ऑप्शन राइट आपका डी हो जाएगा, नाम धातु क्रिया यहाँ पर, जिसको ऑप्शन डी है बिल्कुल सही है। जैसे हथियाना, लजाना, रंगाना, है ना, बतियाना, ये चीज़ होती है आपके नाम धातु में होती है, मतलब जैसे कि यहाँ पर हाथ आपकी क्रिया है, लेकिन याना प्रत्यय जोड़ जाने से ये आपकी नाम धातु क्रिया हो गई है, ठीक है, डी नंबर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का आते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया यहाँ पर, चलिए जवाब दीजिए, बछिया का ताऊ का अर्थ क्या है? बछिया का ताऊ का अर्थ क्या है? बछिया का ताऊ, तो ऑप्शन राइट आपका हो जाएगा यहाँ पर, सी नंबर, अत्यधिक मूर्ख व्यक्ति, अत्यधिक मूर्ख व्यक्ति हो जाएगा, सी नंबर आपका हो जाएगा, अत्यधिक मूर्ख व्यक्ति, ठीक है। जो बच्चे अभी अब जुड़ रहे हैं उनको बता दें कि 8:30 बजे से टाइमिंग आपकी है, 8:30 बजे, आप लोग 8:30 बजे आया करिए भाई, लेट हो जाते हैं आप लोग। चलिए अगला जवाब दीजिए यहाँ पर, मैं अपने आप वस्त्र साफ कर लेता हूँ, इस वाक्य में कौन सा सर्वनाम है? मैं अपने आप वस्त्र साफ कर लेता हूँ, कौन सा आपका सर्वनाम है, कौन सा है? देखो यहाँ पर कह सकते हैं जो आप का प्रयोग हुआ है वो खुद के प्रयोग हुआ है, खुद के लिए, और खुद के लिए होता है उसे बोलते हैं निजवाचक बोलते हैं, क्या कर लेते हैं? निजवाचक बोलते हैं। ऑप्शन राइट आपका सी, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा यहाँ पर, निजवाचक आपका सर्वनाम हुआ है, ठीक है। देखो सभी प्रश्न हमने आपको पढ़ा दिया था, लगभग आपके ये जो 60 प्रश्नों के टेस्ट थे उन्हीं के आपके कॉमन निचुड़ के आपके क्वेश्चन आए हैं। जो बच्चे नहीं पढ़े हैं उनके लिए बहुत ही कह सकते हैं कि अगर मौका छूट गया था तो दोबारा ये मौका मिल जाता है बच्चों का। चलिए अगला है 8 नंबर, छंद से संबंधित गणों की सही संख्या बताइए। आपने छंद पढ़ा था और छंद में गणों की संख्या हमने बताया था कितनी होती है,
वेरी नाइस, ऑप्शन राइट आपका सी हो जाएगा, आठ होते हैं। ठीक है, गणों की संख्या कितनी होती है? आठ। और ये जो मिलकर बनते हैं, तीन तीन वर्णों से मिलकर बनते हैं, जैसे आपने पढ़ा होगा जगण तगड़ मगर, ये सभी है ना, उनकी संख्या आपकी आठ होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का आते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, थोड़ी स्पीड में ही रहेंगे क्योंकि क्वेश्चन आपके रिपीटेड हैं और रिपीटेड क्वेश्चन पढ़ना आपका जरूर फर्ज होता है। चलिए अगला है, कबीर ने समाज सुधार के अंतर्गत किसका उपदेश नहीं दिया है? अर्थात कबीर ने समाज सुधार में बहुत उपदेश दिया था, लेकिन ऐसा कौन सा उपदेश कबीर ने नहीं दिया है? देखो, मूर्ति पूजा का विरोध को भी किया है, जात प्रथा का खंडन भी किया है, हिंदू मुस्लिम पाखंड का खंडन भी किया, लेकिन स्त्री पुरुष की समानता, इसका उपदेश इन्होंने नहीं दिया है। ऑप्शन राइट आपका सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का आते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया, यहाँ पर क्वेश्चन आपसे कह रहे हैं, त्रिवेणी शब्द में कौन सा समास है? त्रिवेणी शब्द में कौन सा समास है? कर्मधारय, बहुव्रीहि समास, या कह सकते हैं द्विगु समास या द्वंद्व समास। तो ऑप्शन राइट आपका त्रिवेणी में हो जाएगा, द्विगु समास, जिसका जवाब सही है, बिल्कुल सही है। त्रिवेणी शब्द में प्रथम जो त्रि शब्द है, ये आपका संख्यावाची है, अतः ये द्विगु समास है। ऑप्शन राइट आपका सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का आते हैं। क्वेश्चन आपके यहाँ पर दिया गया है अनेकार्थी शब्द, एक अर्थ शब्द के साथ ही लिखा है, दूसरे का अर्थ आपको बताना है। यहाँ पर आपका एक अर्थ दे दिया गया है, प्रमत्त का अर्थ आपका स्वेच्छाचारी, इसका दूसरा अर्थ क्या होता है? प्रमत्त का जो एक अर्थ है आपका स्वेच्छाचारी, इसका दूसरा अर्थ क्या होता है भाई? तो दूसरा अर्थ होता है आपका ऑप्शन राइट ए हो जाएगा, उन्मत्त हो जाएगा। क्या हो जाएगा? उन्मत्त, उन्मत्त हो जाएगा, उन्मत्त। ठीक है, इसका दूसरा अर्थ भी होता है, स्वेच्छाचारी का दूसरा अर्थ आपका उन्मत्त हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन का आते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला है, कर आपसे यहाँ पर कनक, कनक का एक अर्थ आपका धतूरा होता है, तो भाई दूसरा अर्थ क्या होता है? कनक का एक अर्थ धतूरा होता है, तो दूसरा अर्थ क्या होता है भाई? बिल्कुल, बहुत अच्छी क्वेश्चन, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। यहाँ पर डी नंबर आपका होता है सोना, एक का अर्थ धतूरा, तो दूसरा अर्थ क्या होता है इसका? सोना होता है। ठीक है, कनक के दो अर्थ हो गए ना, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही जवाब आ रहे हैं। इसी प्रकार की तैयारी होनी चाहिए, बिल्कुल साथ में जवाब देते हो तो ऐसा लगता है कि आप लोगों ने तैयारी किया है। चलिए अगला जवाब दीजिए, यहाँ पर जुगुप्सा किस रस का स्थायी भाव है? जुगुप्सा किस रस का स्थायी भाव है? किसका किसका है भाई? बिल्कुल सही है, ऑप्शन राइट आपका ए हो जाएगा, विभस रस का है। ठीक है, जुगुप्सा अर्थात घृणा। ठीक है, किसका है? विभस रस का स्थायी भाव है। ठीक है, अच्छा, रौद्र रस, तो रौद्र रस का स्थायी भाव क्या होता है? क्रोध अर्थात हो जाता है। ठीक है, अद्भुत का हो जाता है, विस्मय हो जाता है। ठीक है, विस्मय आश्चर्य, और भयानक रस का हो जाता है आपका भय हो जाता है। चारों ऑप्शन क्लियर हुए, चलिए आगे यहाँ पर चलते हैं। देखो, रिपीटेड क्वेश्चन इसका मतलब ये होता है कि पूरे तरीके से क्वेश्चन आपको आना चाहिए। आपने 10 प्रैक्टिस सेट में क्या पढ़ा है, इसका आपको जरूर आपको अमल करना चाहिए। चलिए 14 का जवाब दीजिए, पुस्तकें धड़ाधड़ बिक रही हैं, में धड़ाधड़ में कौन सा रूप है? यहाँ पर आपको धड़ाधड़ में पूछा है कि कौन सा रूप है, क्रिया विशेषण है या विशेषण है, या कह सकते हैं क्रिया है या प्रविशेषण है। तो भाई यहाँ पर आपकी पुस्तकें धड़ाधड़ बिक रही हैं, अर्थात कह सकते हैं क्रिया भी हो रही है, विशेषण भी है, तो इसका राइट आंसर है आपका जो हो जाएगा वह ए हो जाएगा, कि पुस्तकें जो धड़ाधड़ में हो जाएगा आपका क्रिया विशेषण, ऑप्शन राइट आपका ए हो जाएगा, जिसका जवाब ए आ रहा है, बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का आते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला है, यहाँ पर बैल ना कूदे कूदे तंगी कहावत का अर्थ बताइए। बैल ना कूदे कूदे तंगी कहावत का अर्थ बताना है। 15 का जवाब दीजिए, यहाँ पर 15 का जवाब क्या हो जाएगा? 15 का जवाब हो जाएगा, ऑप्शन राइट आपका डी हो जाएगा, स्वामी के बल पर सेवक का साहस, स्वामी के बल पर सेवक का साहस, इसका आपका अर्थ होता है बैल ना कूदे कूदे तंगी, बिल्कुल सही है। चलिए आगे क्वेश्चन आते हैं। क्वेश्चन आपका अगला पूछा गया है, कहावत शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय बताइए। कहावत शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय, सभी लोग जवाब दीजिए, कहावत में प्रयुक्त प्रत्यय क्या हो जाएगा? आवत, बिल्कुल सही है, आवत। हमने बताया था प्रत्यय के लिए आप उस वर्ड को 3 बार पढ़ो आराम से, आंसर आ जाएगा, कहावत आवत आवत, ऐसे निकल रहा है ना, डी नंबर बिल्कुल सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का आते हैं। जो बच्चे नए जुड़ रहे हैं उनको टाइमिंग बता दें, 8:30 बजे होती है, 8:30 बजे से स्टार्ट होती है क्लास। चलिए समूहार्थक शब्द का चयन कीजिए। समूहार्थक शब्द का चयन करना है, जहाज है, बेड़ा है, केवट है, नाव है। तो भाई बेड़ा जो आपका है, बेड़ा, बेड़ा समूहार्थक शब्द है, जबकि जहाज, केवट, नाव ये एकल शब्द होते हैं। बेड़ा जहाँ होता है आपके ये खड़े होते हैं जहाज वगैरह, ठीक है, सही है, ऑप्शन राइट आपका बी हो जाएगा, बेड़ा ये आपका समूहार्थक शब्द है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, खूंटी शब्द का बहुवचन बताइए। खूंटी शब्द का बहुवचन, खूंटी शब्द का बहुवचन क्या हो जाएगा?
खूंटी शब्द का बिल्कुल सही है ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर हो जाएगा ए नंबर खूंटियाँ, क्या हो जाएगा खूंटियाँ ऑप्शन राइट आपका ए हो जाएगा, जिसका जवाब ए आ रहा है वो सही है। ठीक है, यहाँ पर लगभग 25% बच्चों की गलतियाँ क्यों आ रही हैं भाई, क्यों गलतियाँ आ रही हैं, क्या हम पढ़ाते नहीं आपको, इतने इतने प्रैक्टिस सेट आपके लगा चुके हैं फिर भी आपकी गलतियाँ आ रही हैं, इसका मतलब रेगुलर आप यहाँ पर केवल कमेंट ही करते रहते हो, देखते नहीं हो सही से क्या पढ़ा रहे हैं क्या नहीं पढ़ रहे हैं। चलिए 19 का जवाब दीजिए, गंदला मैला मलिन किस शब्द के पर्यायवाची हैं, गंदला मैला मलिन किस शब्द के पर्यायवाची हैं भाई, किस शब्द के हैं, ये होते हैं आपके पंकिल के। ठीक है, याद रखिए गंदला मैला मलिन इत्यादि पंकिल शब्द के पर्यायवाची होती हैं। ठीक है, पर्यायवाची होते हैं पंकिल के, समझ में आया। अच्छा, धवल का जो होता है पर्यायवाची क्या होता है, धवल, धवल का अर्थ होता है सफेद, उजला, श्वेत, शुभ्र, उज्ज्वल, गौर आदि होते हैं। ठीक है, अच्छा यहाँ पर पामर दिया है, पामर के अर्थ कह सकते हैं पामर के पर्यायवाची, पामर का होता है खल, दुष्ट, अधम, नीच, सठ, दुर्जन, कुटिल, धूर्त, ये इसके अर्थ होते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका अगला पूछा गया यहाँ पर, कह रहा आपसे कि निम्न में से कौन सा छंद का प्रकार नहीं है, आपके पिछले प्रैक्टिस सेट में आपको देखने को मिला था ये प्रश्न, आया था ना, हमने बता दिया जो हम आपको टेस्ट कराते हैं वो 100% आपके एग्जामों में पूछे गए हैं, आप 100 नहीं 120% हम पर विश्वास करते हैं, तो हमारा भी मन लगता है कि नहीं हम आपके साथ जुड़े हैं, कहीं ना कहीं मेहनत कर रहे हैं, और आप लोगों को यहाँ पर हमसे विश्वास है कि हिंदी में अगर आप हमसे जुड़े रहते हैं कभी आपको दिक्कत नहीं होने देंगे। बिल्कुल सही ऑप्शन राइट आपके यहाँ पर ए हो जाएगा, दृष्टांत, ये आपका छंद का प्रकार नहीं है, बिल्कुल सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का आते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया यहाँ पर, कह रहा आपसे किस बोली में परसर्ग लगाया जाता है, किस बोली में परसर्ग लगाया जाता है, 21 का जवाब दीजिए यहाँ पर, किस बोली में होता है भाई परसर्ग लगाया जाता है, सही ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर सी हो जाएगा, आपकी खड़ी बोली में। ठीक है, खड़ी बोली में जो कि आपके पश्चिमी जो बोलियाँ होती हैं, पश्चिमी बोली में खड़ी बोली आती है, तो वहाँ पर कर्ता कारक के लिए ने परसर्ग स्पष्ट दिखाई पड़ता है। ठीक है, तो इस प्रकार से यहाँ पर ऑप्शन राइट आपका सी हो जाएगा, खड़ी बोली। ठीक है, चलिए अगला जवाब दीजिए, आँखियाँ हर दर्शन की भूखी, या कह सकते हैं आँखियाँ हर दर्शन की प्यासे, ऐसे होता है ना, तो आँखियाँ हर दर्शन की भूखी, कैसे रहे रूप रस रांची, ए बतियाँ सुन सूखी, यहाँ पर पूछा है कौन सा रस है, इसको भी हमने आपको प्रैक्टिस सेट के माध्यम से ही बताया है, 85 से 75% मतलब 75 से 85% जो हम आपको पढ़ा देते हैं वो एग्जाम में आए हुए प्रश्न होते हैं, चाहे कोई भी हमारा प्रैक्टिस उठा के देख लीजिए, आपको 85 से लगभग 85% पढ़ाया हुआ मिलेगा जो एग्जाम में आए हैं। चलिए 22 का जवाब यहाँ पर बिल्कुल राइट है, ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर वियोग श्रृंगार है, कौन सा भाई, यहाँ पर अखियाँ हर दर्शन की भूखी, कैसे रहे रूप रस रांची, ए बतियाँ सुन सूखी रूखी, यहाँ पर आपका जो अलंकार है कह सकते हैं आपका कौन सा रस है, वियोग श्रृंगार है, रस रस पूछा है, रस आपका हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर ये पंक्तियाँ जो आपके हैं वो सुरसागर से संग्रहित है आपकी हैं। ठीक है, जिसमें गोपियों को आप विरह वर्णन आपका किया गया है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का आते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला है, कह रहा आपसे यहाँ पर देखिए हम आपको पीडीएफ अपने टेलीग्राम से दे देंगे, तो ये जो क्वेश्चन है आपकी कॉपी में नोट होना चाहिए, ये क्वेश्चन आपके रिपीटेड होते हैं, आपकी कॉपी में अगर नोट हो जाएंगे फटाफट आप एग्जाम के समय देख सकते हैं। पवन का संधि विच्छेद बताइए भाई, पवन का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, जवाब दीजिए यहाँ पर, पवन का संधि विच्छेद, तो बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा कौन सा, पो धन अन, ऑप्शन राइट आपका डी, पो धन अन हो जाएगा, पो धन अन, ये आपकी आयादि संधि है। ठीक है, जो स्वर संधि का एक पार्ट होता है आदि संधि, वो ऑप्शन राइट आपका डी, पवन। ठीक है, डी नंबर जिसका सही आ रहा है बिल्कुल सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का जवाब दीजिए यहाँ पर सभी लोग, निम्न शब्दों में से तद्भव शब्द का चिन्ह कीजिए, तद्भव शब्द आपसे पूछा है, और तद्भव शब्द आपका यहाँ पर कौन सा हो जाएगा, 24 का जवाब, 24 तद्भव शब्द ऑप्शन राइट हो जाएगा, पर प्यास हो जाएगा, क्या हो जाएगा, प्यास हो जाएगा, प्यास तद्भव शब्द, इसका तत्सम बनता है पिपासा, क्या बनता है भैया, पिपासा बनता है। ठीक है, पिपासा बनता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का आते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया यहाँ पर, यद्यपि मोहन धनी है तद्यप बहुत दुखी है, मतलब कि धनी होते हुए भी मोहन क्या है, दुखी है, तो यहाँ पर आपका जो ये वर्ड जोड़ रहा है यद्यपि तद्यपि, ये जो आपको आता है किसमें, एक कह सकते हैं वो अनुवाद को जोड़ रहा है, और जोड़ने वाला होता है अर्थात विशेषता एक दूसरे के बताने वाला होता है,
एक दूसरे से आश्रित होता है, वो आपका मिश्र वाक्य होता है। वेरी नाइस, ऑप्शन राइट आपका सी हो जाएगा, आपका मिश्र वाक्य। मिश्र वाक्य हमने कुछ पहचान बताया था, यद्यपि तद्यपि ज्यों ही तब तक जहां तक, है ना, भले ही, जो, ऐसे वर्ड होते हैं हमेशा किस में आते हैं आपके, ये मिश्र वाक्य में ही आते हैं। बिल्कुल सही है, ऑप्शन राइट आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन का आते हैं, क्वेश्चन आपसे यह पूछा गया है, यहाँ पर त्रुटि वाला बताया गया है। यहाँ पर ये भी क्वेश्चन आपका पिछले अभी वीडियो में आपको देखने को मिला था, रामचरितमानस, रामचरितमानस भक्ति काल की सबसे श्रेष्ठतम रचना मानी जाती है, कोई त्रुटि नहीं है। भाई ये क्वेश्चन आपका कल भी आया था और हमने बताया था कि यहाँ पर बी नंबर आपका यहाँ पर त्रुटि है। कैसे कि सबसे श्रेष्ठतम, देखो श्रेष्ठतम के साथ कभी भी सबसे नहीं लगाते हैं, तो यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब बी नंबर है, आपकी त्रुटि है, यहाँ पर सबसे लिखने की कोई ज़रूरत नहीं थी, कल के क्वेश्चन में था बिल्कुल से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का आते हैं, क्वेश्चन आपका अगला है, ये भी क्वेश्चन आपका रिपीट हुआ था कल, कि ठंड के दिनों में प्रातः काल के समय सर्दी काफ़ी बढ़ जाती है, कोई त्रुटि नहीं है। है त्रुटि, बिल्कुल सही है जवाब, यहाँ पर जो बच्चों ने कल टेस्ट दिया था उनका टेस्ट बिल्कुल देख लीजिए कॉमन मिल रहा है, है ना। यहाँ पर प्रातः काल है और आपका समय है, तो प्रातः काल ऑलरेडी यहाँ पर समय को दर्शाता है, तो इस प्रकार समय लगाने की जरूरत नहीं थी, अर्थात त्रुटि कहाँ पर है, आपके बी नंबर में है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का आते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया यहाँ पर, कह रहा आपसे यहाँ पर कि निम्न विकल्पों में से किस विकल्प में सही शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा है। यहाँ पर आपको व्यक्तिवाचक संज्ञा बताना है, व्यक्तिवाचक 28 का जवाब यहाँ पर, 28 का व्यक्तिवाचक में देखिए राम और रामचरितमानस गंगा, देखो रामचरितमानस भी एक है, राम भी एक है, गंगा भी एक है, है ना। अब के रावण की बात मत करना, आपके राम और आपके रावण की बात मत करना, आपके राम तो बहुत मिलेंगे और आपके रावण भी बहुत मिलेंगे, लेकिन वो राम वो है वही है श्री रामचंद्र जी। ठीक है, आंसर राइट आपका ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया यहाँ पर, कुछ आपके यहाँ पर मिलान करना है, कह सकते हैं कि ये रचनाएं वगैरह हैं, नाटक वगैरह, उपन्यास वगैरह हैं। देखो यहाँ पर निर्मला क्या है, निर्मला, तो निर्मला जो है ये एक उपन्यास है। ठीक है, उपन्यास है, ऑप्शन राइट आपका मतलब इसका मिलान होगा उपन्यास। चीता के फूल क्या है, चीता के फूल आपके ये निबंध है, इसका निबंध हो जाएगा। वरदान एक कहानी है, वरदान क्या है, कहानी है। भारत दुर्दशा एक नाटक है, ठीक है, नाटक है, इस प्रकार से होगा। स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, इस प्रकार से निर्मला उपन्यास, चीता के फूल निबंध, वरदान कहानी, भारत दुर्दशा क्या है, नाटक है, बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को आ जाते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला है, दो वर्णों के मेल से होने वाले विकार या परिवर्तन को क्या कहते हैं, दो वर्णों के मेल से होने वाले विकार या परिवर्तन को। 30 का जवाब दीजिए यहाँ पर, 30 का ऑप्शन राइट आपका हो जाएगा ए नंबर, उसे संधि कहते हैं। देखो वर्णों में क्या होता है, संधि होती है, शब्दों में जो आपके जुड़ते हैं वो आपके समास होते हैं, तो दो वर्ण जब जुड़ते हैं तो संधि बनती है, जो शब्द जुड़ते हैं तो आपके समास बनते हैं, तो वर्ण वाला ऑप्शन राइट आपका ये हो जाएगा। यहाँ पर दो वर्णों के मेल से होने वाले विकार को संधि कहते हैं, ऑप्शन राइट आपका ये हो जाएगा। चलिए अगला जवाब दीजिए यहाँ पर, निम्न से कौन सा पीछे चलने वाला शब्द समूह के लिए एक शब्द बताइए, जो पीछे चलता है उसको क्या बोलते हैं भाई, पीछे चलने वाले को अनुगत बोलते हैं, ऑप्शन राइट आपका ये हो जाएगा अनुगत। ज़्यादा समय नहीं लगाना है क्योंकि क्वेश्चन रिपीटेड हों, ए नंबर आपका अनुगत हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का आते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला है, कह रहा आपसे यहाँ पर लालटेन शब्द निम्न वर्गों में से किस वर्ग में आता है, अर्थात लालटेन जो है वो आपके किस वर्ग का है, कैसा शब्द है आपका लालटेन, तो भाई लालटेन जो आपका है ये आपका विदेशी शब्द है। ठीक है, लालटेन शब्द आपका जो है विदेशी शब्द, वो भी आपके अंग्रेजी शब्द के लैंटर्न से बना हुआ है। ठीक है, तो इस प्रकार से आंसर राइट आपका डी हो जाएगा, विदेशी शब्द है और ये आपका कह सकते हैं अंग्रेजी में आता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का आते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि बागेश्वरी शब्द का पर्यायवाची क्या है, बागेश्वरी शब्द का पर्यायवाची, बागेश्वरी जवाब दीजिए सभी लोग यहाँ पर, सही है ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, बागेश्वरी का, बिल्कुल सही ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर बी हो जाएगा, शारदा। देखो सरस्वती, भारती, शारदा, बागेश्वरी, वीणा पाणी, हंसवाहिनी आदि आपकी बागेश्वरी की पर्यायवाची होती हैं। ठीक है ना, चलिए अच्छा, ये कमला किसका पर्यायवाची होती है, हमने कल बताया था कमला, कमला लक्ष्मी का पर्याय होता है। ठीक है, लक्ष्मी का पर्यायवाची होता है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन का आते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया यहाँ पर, कह रहा आपसे मंदिर और मंदिरा युग्म का जो अर्थ होगा क्या होगा, अर्थात मंदिर का अर्थ क्या होता है और मंदिरा का क्या अर्थ होता है, जवाब दीजिए भाई यहाँ पर,
मंदिर, अर्थात मंदिर एक जैसे घर एक मंदिर होता है, आपने पढ़ा होगा ना, देवालय होता है, और मंदिर का मतलब होता है अश्वशाला। ठीक है, ऑप्शन राइट आपका डी हो जाएगा, यहाँ पर देवालय और आपका अश्वशाला होगा, मंदिर का अर्थ देवालय और मंदिर का अर्थ आपका अश्वशाला, ऑप्शन राइट आपका डी हो जाएगा। ठीक है, देखो चाहे कोई भी हमारा प्रैक्टिस सेट लगाइए, आपको कॉमन ही मिलेगा जो आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। अब जो बच्चे नए जुड़ते हैं तो उनको विश्वास नहीं होता है कि नहीं हम जो हिंदी पढ़ रहे हैं वो आपकी एग्जाम में पूछी भी जाती है, कहते हैं कि नहीं सर ये तो आता ही नहीं है, उस समय बहुत बुरा लगता है हमें, लेकिन इसीलिए हम आपको यहाँ पर ऐसे क्वेश्चन ले आते हैं आए हुए क्वेश्चन कि हमारे प्रैक्टिस सेट कॉमन मिल रहे हैं या नहीं मिल रहे हैं। ठीक है, और निचोड़ तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा, 10 प्रैक्टिस सेट का निचोड़ अगर पढ़ लेते हैं तो बिल्कुल बहुत ही बढ़िया होगा। 35 का जवाब दीजिए यहाँ पर भाई, 35 का, अंबर पनघट में डुबो रही है, तारा घट उषा नागरी में कौन सा अलंकार है? अंबट पनघट में डुबो रही है, तारा घट उषा नागरी में कौन सा अलंकार है? 35 का जवाब दीजिए भाई, 35 का जवाब यहाँ पर आपका जो हो जाएगा ऑप्शन राइट आपका ए हो जाएगा, रूपक अलंकार, अंबर पनघट में डुबो रही है। ठीक है, क्योंकि इसमें अंबर, तारा और उषा जो कि उपमेय है, क्रमशः पनघट, घट और नागरी जो कि उपमान है का आरोप हुआ है। ठीक है, वाचक पद नहीं आए हैं और उपमेय प्रस्तुत हुआ है, अर्थात दोनों ही साथ साथ में वर्णन कर रहे हैं, इस प्रकार से होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का आते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया यहाँ पर, नीचे दिए गए शब्दों में से अव्ययी भाव समास का चयन करना है। अव्ययी भाव, अव्ययी भाव देखो यहाँ पर अव्ययी भाव कौन सा हो जाएगा भाई, यहाँ पर 1 का जवाब दीजिए, यहाँ पर अव्ययी भाव किस में है? देखिए यहाँ पर आपको देखने को मिल गया होगा आंसर बी वाला, आजीवन में आपका अव्ययी भाव समास है। ठीक है, आजीवन में है अव्ययी भाव, पाप पुण्य, पाप पुण्य में आपका है द्वंद्व समास। ठीक है, पाप पुण्य में द्वंद्व समास हो जाएगा। पीताम्बर में, पीताम्बर में होता है आपका बहुव्रीहि समास। ठीक है, पीताम्बर में हो जाएगा बहुव्रीहि समास हो जाएगा। ठीक है, और घुड़सवार, घोड़े के लिए सवार, तो कह सकते हैं आपका तत्पुरुष में आ जाएगा। तो इस प्रकार से आपकी चारों क्लियर हुए ना, यहाँ पर 1 का हो जाएगा बी, आजीवन आपका अव्ययी भाव समास है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का आते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि आपका यहाँ पर अर्थ व्यंजक चार चार विकल्प हैं, सर्वाधिक उपयुक्त तो आपका अर्थ व्यंजक विकल्प चुनना है। गयंद, हमने आपको बताया था, प्रैक्टिस सेट मिला था आपका गयंद। जो बच्चे अभी नए जुड़ रहे हैं उनको बता दें कि लेट में आप लोग आते हैं, 8:30 बजे लाइव की क्लास होती है, 8:30 बजे। ठीक है, 8:30 बजे से आया करिए भाई। चलिए यहाँ पर गयंद का अर्थ क्या होता है? गयंद का अर्थ होता है बड़ा हाथी, सही है ना, बताया था, ऑप्शन राइट आपका बिल्कुल सही है जवाब। यहाँ पर बच्चे मन लगा के पढ़ते हैं हिंदी, हमको लगता है केवल मन लगा के पढ़ते हैं, अदर कुछ नहीं पढ़ते हैं। चलिए अगला है, मूढ़ चेता का अर्थ क्या होता है? मूढ़ चेता भाई, मूढ़ चेता का अर्थ होता है मूर्ख, ऑप्शन राइट आपका डी, मूर्ख हो जाएगा। समझ में आ गया, मूढ़ चेता का अर्थ होता है आपका मूर्ख होता है। ठीक है, जिसकी बुद्धि या मति मूढ़ हो, ठीक है, ये बोलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का आते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया यहाँ पर, ठीक समय पर आ जाना में कौन सा कारक है? ठीक समय पर, ठीक समय पर आ जाना, पर आपने किस में पढ़ा है? अधिकरण में, मैं पर, अधिकरण में मैं पर पढ़ा है ना, कारक 8 होते हैं, पढ़ लीजिएगा, ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर डी हो जाएगा। यहाँ पर आपका ठीक समय पर आ जाना अर्थात आपका कारक है अधिकरण कारक, डी नंबर बिल्कुल सही है। आगे चलते हैं यहाँ पर, वेरी नाइस, ऐसे ही आप जवाब दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित वाक्य में मोटे छपे अक्षर की शुद्ध वर्तनी कौन सी है? अत्यधिक भाई, अत्यधिक में आपकी जो पूछा गया है शुद्ध वर्तनी कौन होगा? 5 का ऑप्शन राइट आपके यहाँ पर हो जाएगा ए नंबर। यहाँ पर जो अत्यधिक लिखा है शुद्ध रूप से वो आपकी कौन सी है? अत्यधिक, अत्यधिक सही है, 5 का ऑप्शन राइट आपका ए हो जाएगा, अत्यधिक। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का आते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया यहाँ पर, निम्नलिखित में से गंगा का पर्यायवाची नहीं है। थोड़ी स्पीड में रहिए भाई, थोड़ी स्पीड में, निम्न में से गंगा का पर्यायवाची नहीं है, तो गंगा का पर्यायवाची नहीं है कौन सा? देखो कालिंदी, कालिंदी गंगा का पर्यायवाची नहीं होता है, ये आपकी यमुना का पर्यायवाची होता है। ठीक है ना, सही है, कालिंदी, अकर्जा, रवितैना, कृष्णा, जमुना, ठीक है, ये आपकी इसकी होती हैं, लेकिन गंगा की आपकी ये होती हैं। ठीक है, 6 का ऑप्शन राइट आपका सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का जवाब दीजिए यहाँ पर, यहाँ पर आपको निम्नलिखित वाक्यों में सही वाक्य का चयन करना है। 7 नंबर कह रहा आपसे यहाँ पर, जीवन और साहित्य का अगाध संबंध है। अगाध शब्द लिखते हैं, नहीं लिखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, जीवन और साहित्य का घनिष्ठ संबंध है। ऑप्शन यहाँ पर आपका जो हो जाएगा घनिष्ठ बोला जाता है, ऑप्शन राइट आपका बी यहाँ पर बिल्कुल सही है, घनिष्ठ। ठीक है, बी नंबर आपका सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का आते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है,
यहाँ पर आपको बताना है भाई कौन सा सही आपका हो जाएगा। यहाँ पर तुलसी और सूर अवधि और ब्रजभाषी के श्रेष्ठ कवि हैं। क्या ये बोलने में समझ में आ रहा है? नहीं आ रहा है ना, तो इसका जो शुद्ध होता है वो क्या होता है? तो देख लीजिए, हम आपको शुद्ध बता दे रहे हैं। जो आंसर आपका डी है, तुलसी और सूर क्रमशः अवधि और ब्रजभाषा के श्रेष्ठ कवि हैं। डी नंबर आपका इस प्रकार से सही लिखा जाएगा, आपका डी नंबर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का आते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, यहाँ पर कह रहा आपसे कंजूसी से धन व्यय करने वाला, कंजूसी से धन व्यय करने वाला, जो कंजूसी से धन व्यय करता है उसे बोलते हैं कृपण। क्या बोलते हैं भैया? उसे कृपण बोलते हैं। ऑप्शन राइट आपका सी हो जाएगा, कृपण। जो कंजूसी से धन व्यय करता है उसे कृपण बोलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का आते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया, यहाँ पर पर्वत की तलहटी, जो पर्वत की तलहटी होती है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं उपत्यका। ठीक है, बी नंबर आपका हो जाएगा, पर्वत की तलहटी को उपत्यका बोलते हैं। पर्वत की तलहटी को उपत्यका, ऑप्शन राइट आपका बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का आते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, सूरदास के गुरु कौन थे? सूरदास के गुरु, भाई सूरदास के गुरु कौन थे? 11 का ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर जवाब बिल्कुल सही है, ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर हो जाएगा। सूरदास के गुरु थे आपके बल्लभाचार्य, सी नंबर बल्लभाचार्य। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का आते हैं। क्वेश्चन आपका अगला पूछा गया है, यहाँ पर आपको कह सकते हैं कोई त्रुटि वाले क्वेश्चन है, और त्रुटि वाले में आपको बताना है कि यहाँ पर क्या त्रुटि है या नहीं है। देखो यहाँ पर दिया है, मुझे कल 2 किलो लीची खरीदने हैं, लीची खरीदने हैं, खरीदने, यहाँ पर आपका खरीदने नहीं, कह सकते हैं खरीदनी है, क्योंकि लीची स्त्रीलिंग है, लीची स्त्रीलिंग है, यहाँ पर आपको खरीदनी होना चाहिए था। इस प्रकार से आंसर आपका सी गलती है, लीची खरीदनी है। ठीक है, लीची स्त्रीलिंग है इसलिए। चलिए अगला जवाब दीजिए, अपने अपने किताबें बस्ती में डाल लो, कोई त्रुटि नहीं है भैया, त्रुटि तो बिल्कुल साफ नजर आ रही है, अपने अपने, है ना, अपने अपने, यहाँ पर गलती है। किस प्रकार से गलती है? किताब जो है वो आपकी स्त्रीलिंग है, अतः अपने अपने के स्थान पर आपका अपनी अपनी किताबें बस्ती में डाल लो सही है, ए नंबर आपका यहाँ पर अपनी अपनी होना चाहिए था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का आते हैं। क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है, विलोम शब्द, कृतज्ञ का विलोम क्या होता है? जो बच्चे नए जुड़ रहे हैं आपको बता दें, रात 9 बजे आप लोग जुड़ते हैं, 8:30 बजे जुड़ा करिए, 8:30 बजे से लाइव की क्लास होती है। ठीक है, कृतज्ञ का विलोम क्या होता है? 14 का ऑप्शन राइट आपका बी हो जाएगा, कृतघ्न होता है। ठीक है, कृतज्ञ का विलोम क्या होता है? कृतघ्न होता है, कृतघ्न। ठीक है, हो गया ना, यह बोल सकते हैं कभी कभी कृतघ्न ना मिलेगा तो अकृतज्ञ मिल जाएगा, अर्थात इसी में आ लगा देते हैं। ठीक है, अगर ये नहीं मिलता तब इसका आंसर आपका बी हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन का जवाब दीजिए, संकीर्ण का विलोम, कल के प्रैक्टिस सेट में आपको मिला था संकीर्ण, संकीर्ण का विलोम होता है विकीर्ण, ऑप्शन राइट आपका डी विकीर्ण हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन का आते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, रिक्त स्थान में उचित आपको शब्द बनना है, व्यंग लेखक सामाजिक पर तीखा प्रहार करता है, मिला था ना 16 का जवाब, ऑप्शन राइट आपका बी, व्यंग लेखक सामाजिक विद्रूपता पर तीखा प्रहार करता है, यहां पर ऑप्शन राइट आपका बी सही हो जाएगा, विद्रूपता पर तीखा प्रहार करता है। ठीक है, ऑप्शन आपका बी भरा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन का आते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, निम्न में से कौन सा कर्मधारय समास है? कर्मधारय समास आपको बताना है, कौन सा है आपका यहाँ पर कर्मधारय समास? बिल्कुल सही ऑप्शन, बिल्कुल सही है, वेरी नाइस, ऑप्शन राइट आपका ये हो जाएगा, नील गगन। ठीक है, जब कोई एक पद विशेषण या उपमा सूचक हो तो कर्मधारय समास बनता है। ठीक है, यहाँ पर आपका अगर विग्रह करेंगे इसके, ठीक है, अगर विग्रह अगर करते हैं तो आपको पता है कि इसके दोनों पदों की विभक्ति एक ही हो जाएगी। ठीक है, नील गगन, ऑप्शन राइट आपका ए हो जाएगा। देखो नीला आपको तो पता है, नीला विशेषण है, गगन, गगन आपका विशेष हो जाएगा, तो इस प्रकार से हो जाएगा। ठीक है, गगन मतलब बादल होता है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन ज्ञानाश्रय शाखा के कवि हैं? ज्ञानाश्रय शाखा के कवि, 18 का जवाब दीजिए, ज्ञानाश्रय शाखा के कवि हैं आपके कौन से यहाँ पर? तो राइट आंसर आपका कौन हो जाएगा? राइट आंसर बिल्कुल सही, ऑप्शन राइट आपको यहाँ पर कबीरदास हो जाएगा। याद रखिएगा कि ज्ञानाश्रय शाखा के जो भक्त कवि हैं वो आपके आपके निर्गुण ज्ञानवादी थे, अर्थात यहाँ पर जो आपका हो जाएगा ऑप्शन राइट आपके यहाँ पर सी नंबर आपका हो जाएगा, कबीरदास। ठीक है, कबीरदास, देखो इनमें देखा जाए कबीरदास, रैदास, दादूदयाल, सुंदरदास, मलूकदास, ये सभी आते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का आते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला है, कह रहा आपसे यहाँ पर निम्न में से कौन सा कौमदी का पर्यायवाची है? कौमदी का पर्यायवाची पूछा है 19 का,
कॉमेडी का पर्यायवाची आपका होता है आपका चांदनी, ऑप्शन राइट आपका हो जाएगा चांदनी। ठीक है, देखो चांदनी, ज्योत्सना, जुनहाई, अजोरिया, चंद्रिका आदि कॉमेडी के पर्यायवाची होते हैं। ठीक है, ए नंबर। ये टेस्ट पेपर आप लोग कॉपी में जरूर नोट करिएगा, पूरे के पूरे प्रश्न नोट कर लीजिए जो आपके एक वीडियो और दिया था और ये वाला। अगला है 20 नंबर, कल्पवृक्ष का पर्यायवाची, कल्पवृक्ष का पर्यायवाची क्या होता है? कल्पवृक्ष का पर्यायवाची देखो ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर कह सकते हैं डी हो जाएगा, क्योंकि कल्पवृक्ष का पारिजात भी होता है, कल्पतरु भी होता है, देवव्रत भी होता है, ये सभी ऑप्शन राइट आपका डी। वेरी नाइस, ऑप्शन राइट बिल्कुल सही है, इसी प्रकार से तैयारी होना चाहिए सभी की। ऐसी मजा आती है भाई तैयारी में जब लगभग बच्चों के जवाब बिल्कुल बराबर आते हैं, इधर उधर नहीं आते हैं। चलिए अगला है, निम्न में से कौन सा अधि और आपका कह सकते हैं व्यधि शब्द युग में अधिकार्थ क्या है? यहाँ पर अधिकार्थ क्या होता है भाई, इसका आदि पूछा है, अधिकार्थ क्या होगा? 21 का ऑप्शन राइट आपका ए हो जाएगा, मानसिक कष्ट, जिसका जवाब ए आ रहा है बिल्कुल सही है, अधिकार्थ होता है मानसिक कष्ट होता है। ठीक है, मानसिक कष्ट। और व्यधिकार्थ क्या होता है भैया, व्यधिकार्थ क्या होता है? तो व्यधिकार्थ होता है शारीरिक पीड़ा को व्यधि कहते हैं, शारीरिक पीड़ा को व्यधि कहते हैं, और मानसिक जो पीड़ा होती है इसकी संज्ञावधि उसे अधि बोलते हैं। ठीक है, ऑप्शन राइट आपका ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला है, अश्व का पर्यायवाची नहीं है, अश्व का पर्यायवाची नहीं है, 22 का जवाब दीजिए यहाँ पर अश्व का। तो देखो घोटक भी होता है, घोड़ा भी होता है, हई भी होता है, लेकिन यहाँ पर तरंग नहीं होता है, घोड़ा का पर्यायवाची तरंग नहीं होता है, ये लहर का पर्यायवाची होता है, आपने पढ़ा था इन्हीं सभी प्रैक्टिस सेट में। ठीक है, चलिए यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन का आते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, पृथ्वीराज रासो किस काल की रचना है? ये भी क्वेश्चन आपका है, पृथ्वीराज रासो किस काल की रचना है? 23 का जवाब दीजिए यहाँ पर, 23 का जवाब हो जाएगा ऑप्शन राइट आपके यहाँ पर ए नंबर, आदिकाल की। ठीक है, आदिकाल की रचना है और इसके रचयिता आपके हैं चंदबरदाई, और यह हिंदी का प्रथम महाकाव्य माना जाता है, यह मूलतः युद्ध प्रधान काव्य है जिसमें से छप्पय, कवित्व, आपका दुहा, तोमर आदि की आपके छंदों का प्रयोग हुआ है इसमें से। ठीक है, इतने लोग आप लोग जुड़े हैं फिर भी वीडियो को आप लोगों ने ज़्यादा लाइक नहीं किया है, ऐसा क्या हमसे नफरत करते हैं आप लोग? भाई नफरत मत करिए, चलिए इतना एक घंटा बोलते बोलते हो जाता है, बस यही तो चाहते हैं आप लोगों से, लाइक कर दिया करिए। चलिए 24 का जवाब दीजिए, वृक्षों से पत्ते झड़ते हैं, वृक्षों से पत्ते झड़ते हैं कौन सा कारक है? तो वृक्ष से पत्ते क्या हो रहे हैं, अलग हो रहे हैं ना, और अगर अलग होते हैं तो हमेशा क्या होता है, आपादान कारक होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन राइट आपका हो जाएगा कौन सा, सी। देखिए संज्ञा सर्वनाम की जिस रूप से अलग होने का भाव प्रकट होता है उसे आपादान कारक कहते हैं, है ना, समझ में आ गया, ऑप्शन राइट आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन का आते हैं, क्वेश्चन आपका अगला है, श्री गणेश का विलोम शब्द बताइए, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन, श्री गणेश का विलोम क्या हो जाएगा? ऑप्शन राइट आपका इसका हो जाएगा बी नंबर, इतश्री। श्री गणेश का विलोम शब्द क्या होता है, इतश्री होता है। ठीक है, अच्छा यहाँ पर विनाश, तो विनाश शब्द का होता है उत्पत्ति। ठीक है, उत्पत्ति, तो श्री गणेश का विलोम हो जाएगा बी नंबर, इतश्री हो जाएगा, इतश्री। ठीक है, चलिए यहाँ पर कुछ बच्चे नए आ रहे हैं उनके कमेंट, तो आपको बता दें 8:30 बजे आया करिए, आप लोग 9 बजे आते हैं, टाइमिंग क्या 9 बजे वाली आप याद रखें। देखिए जो रात में 9 बजे टाइमिंग थी, लाइव की टाइमिंग 8:30 बजे हो गई है, 8:30 बजे आ जाए करिए। चलिए संपन्नता का विलोम शब्द कौन सा है, संपन्नता का विलोम, तो भाई संपन्नता का विलोम आपका हो जाएगा कौन सा है, यहाँ पर निर्धनता, ऑप्शन राइट आपका बी हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा बी, संपन्नता का विलोम जो आपका हो जाएगा वो आपका निर्धनता हो जाएगा। ठीक है, संपन्नता का विपन्न भी होता है, लेकिन यहाँ पर ऐसा ऑप्शन तो है नहीं है, विपन्न भी होता है लेकिन ऑप्शन तो है नहीं है, तो ऑप्शन आपको यहाँ पर निर्धनता, इसका अर्थ आपका निर्धनता भी हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का आते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया यहाँ पर, उपसर्ग का प्रयोग होता है, उपसर्ग का प्रयोग भाई किस में होता है, उपसर्ग का प्रयोग किस में होता है? तो शब्द के आदि, देखो आदि का मतलब पीछे नहीं होता, आदि का मतलब पहले, तो शब्द के आदि में लगता है, जैसे कि मान लीजिए उपसर्ग दिया है ना, तो उपसर्ग का पहले होता है उप, उप मतलब समीप, सर्ग मतलब सृष्टि करना। ठीक है, तो उप मतलब समीप, सर्ग मतलब सृष्टि करना, इसी प्रकार से देखा जाए तो दोनों बोलते हैं कि किसी भी शब्द में समीप आकर नया शब्द बनना। ठीक है, इसे बोलते हैं। चलिए अगला जवाब आपका यहाँ पर पूछा गया, 30 नंबर, नाक का बाल होना मुहरे का अर्थ, नाक का बाल होना भाई, नाक का बाल होना है अर्थात अकारण प्रिय होना, ऑप्शन राइट आपका सी हो जाएगा, अकारण प्रिय होना, नाक का बाल होना अकारण प्रिय होना, सही है, बिल्कुल सही, आगे बढ़े। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया यहाँ पर, कह रहा आपसे
विपरीतार्थक शब्द आपको बनाना है। पोषक का बताइए, पोषक का भाई क्या होता है, पोषक का विपरीत सॉरी शोषक। देखो हम आंसर ही आपको बता दिया है, क्योंकि बार बार जब हमेशा मिलता है तो दिमाग में वही घूमने लगते हैं। तो भाई शोषक का विलोम क्या होता है, पोषक होता है, बिल्कुल सही ऑप्शन, राइट आपका भी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का आते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला है, हिंदी की आदिजननी क्या है, हिंदी की आदिजननी। तो भाई हिंदी कहाँ से निकल के आई है, कहाँ से निकल के आई है, संस्कृत से। देखो संस्कृत से कैसे, सबसे पहले आपकी संस्कृत आई थी, संस्कृत के बाद आपकी पाली भाषा, पाली भाषा के बाद आपकी प्राकृत भाषा, प्राकृत भाषा के बाद आपकी अपभ्रंश, और अपभ्रंश के बाद की अवाहट, अवाहट के बाद आपकी हिंदी। तो इस प्रकार से जो आपकी हिंदी आई है कहाँ से निकली है, संस्कृत से। ऑप्शन राइट आपका बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का आते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, प्रेमचंद के अधूरे उपन्यास का नाम है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन, प्रेमचंद के अधूरे उपन्यास का नाम है, क्या नाम है, ऑप्शन आपका सी मंगलसूत्र। प्रेमचंद के अधूरे उपन्यास का नाम क्या है, मंगलसूत्र। ऑप्शन राइट आपका सी हो जाएगा, मंगलसूत्र है, रट लीजिए क्वेश्चन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का आते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला है कि इस समास में पहला पद संख्यावाची होता है, किस समास में होता है, किस समास में पहला पद संख्यावाची, बिल्कुल सही ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर द्विगु समास, बी नंबर आपका हो जाएगा, वेरी नाइस ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर बी, द्विगु समास आपको जो होता है इसे कह सकते हैं, यह संख्यावाची होता है पहला पद। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का जवाब दीजिए, यहाँ पर आराम से करेंगे क्योंकि यहाँ पर कह सकते हैं आंसर दिख जाता है, आप लोग नकल कर लेते हैं, चलिए हम ही नकल कराते हैं। चलिए यहाँ पर शुद्ध वाक्य चयन कीजिए, शुद्ध वाक्य चयन करना है आपको। कर आपसे आज घोड़ा दौड़ भी होगी, आज घोड़ा दौड़ भी होगी, ऐसा नहीं। देखिए डी नंबर आपका सही है, यहाँ पर डायरेक्ट हम आंसर आपको बता रहे हैं कि गरीबों के लिए निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था है, ये आपका बिल्कुल सही है, ठीक है। ये क्वेश्चन आपको मिला था ना अस्त्र शस्त्र वाला, बता दिया था हमने पिछले वीडियो में, ठीक है। देखो अस्त्र शस्त्र दोनों का अंतर हमने बताया था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का आते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका अगला है, यहाँ पर शुद्ध क्वेश्चन आपको बताना है, कौन सा आपका दिया है विराम चिन्ह 36 में, शुद्ध वाक्य चयन करना है विराम चिन्ह के हिसाब से। देखिए यहाँ पर आपका जो सही है वो आपका कौन सा है, शायद आप पटना के रहने वाले हैं, यहाँ पर आप शायद है, यहाँ पर जो आंसर है ये आपका कह सकते हैं विराम चिन्ह के हिसाब से यहाँ पर सही है, ठीक है। आप शायद, देखो आप शायद पटना के रहने वाले हैं, वाक्य सही है। जहाँ स्थिति निश्चित ना हो वहाँ वाक्य में प्रश्नवाचक का ही प्रयोग करते हैं। अब यहाँ पर काफ़ी बच्चे बोले आप पे के साथ ये कैसे लग जाए, भाई निश्चित तो नहीं है ना, इस कारण से आपके यहाँ पर प्रश्नवाचक लगेगा, ठीक है डी नंबर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का आते हैं, दो चार क्वेश्चन और आपके बाकी हैं। रेखांकित सर्वनाम का प्रकार चिन्हित कीजिए, सर्वनाम का प्रयोग पर आपको बताना है कौन किस में आपका सर्वनाम, कौन सा सर्वनाम आपका है। यहाँ पर दिया है कोई, देखो अंडरलाइन आपका है, कोई तो होगा जो तुम्हारी सहायता कर सके, कोई तो होगा जो तुम्हारी सहायता कर सके। तो भाई कोई कैसा है आपका सर्वनाम, ये कोई जो आपका है अनिश्चयवाचक है, ऑप्शन राइट आपका सी हो जाएगा, अनिश्चयवाचक। कोई तो होगा जो तुम्हारी सहायता कर सके, वाक्य में कोई जो है वो आपका अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। देखो जिस सर्वनाम से किसी निश्चित अर्थ का बोध नहीं होता है उसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं, सी नंबर आपका हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया, यहाँ पर कह रहा आपसे अंडे का सहजादा का अर्थ क्या है, अंडे का सहजादा, अंडे का सहजादा का अर्थ क्या होता है, कमजोर व्यक्ति, चालाक व्यक्ति, अनुभवी व्यक्ति, और डी नंबर आपका है अनुभवहीन व्यक्ति। तो अंडे का सहजादा होता है डी नंबर, अनुभवहीन व्यक्ति होता है, ठीक है अनुभवहीन व्यक्ति होता है, समझ में आ गया। चलिए आगे बढ़ें, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का आते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला है, देखो अंडे से निकलता है उसको कोई अनुभव होता है, नहीं होता है ना इस प्रकार से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, रसाल शब्द का अर्थ क्या है, रसाल शब्द का अर्थ क्या है, रसाल। 39 का जवाब बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, सब्बा सबसे राइट आपका ये हो जाएगा आम, रसाल शब्द का अर्थ होता है आम होता है, ठीक है ए नंबर आपका हो जाएगा सही। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है जो कि आपको क्रम से आपको बताना है इस प्रकार। देखिए आपको यहाँ पर मिलान करना है प्रथम और यार अलावा वाली, देखो ये और ये आपके फिक्स है, ये आपका पहला है ये आपका दूसरा है, इसको किस प्रकार से सही करेंगे, सकारात्मक सोच ऐसे कर सार्थकता ही ऐसे करिए, सकारात्मक सोच ही जीवन की सार्थकता है, सार्थकता ही सफलता है, और सफलता ही सार्थकता है, इस प्रकार से करते हैं, ठीक है। यहाँ पर अगर देखा जाए तो आपका जो बनेगा कौन सा क्रम बनेगा, यहाँ पर आपका बनेगा ला आएगा,
फिर क्रम के हिसाब से रा आएगा, फिर या आएगा, फिर वा आएगा। ये क्रम अगर आपका है तो सही हो जाएगा। क्या बनेगा? सकारात्मक सोच ही जीवन की सार्थकता है, सार्थकता ही सफलता और सफलता ही सार्थकता है। ठीक है, बी नंबर आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। तो आज की वीडियो में इतना ही रखें, लगभग 2 प्रैक्टिस सेट और आपकी बाकी हैं। तो जो आप लोग पढ़ते हैं, कहते हैं ना मेहनत का फल आपको कुछ समय बाद ही मिलता है, तो आपने अभी तक हमारे सभी प्रैक्टिस सेट में मेहनत किया था। अगर ये 2 प्रैक्टिस सेट नहीं लगाएंगे तो आपको मतलब नहीं निकलेगा कि हमने पढ़ा क्या है। परीक्षा क्या होती है? जो आप पढ़ते हैं उसी का निचोड़ मिलता है ना एग्जाम में। वही चीज़ आपके हैं कि जो आपने 60 प्रश्नों का टेस्ट लगाया अभी तक उन्हीं के निचोड़ हैं। 2 प्रैक्टिस सेट और होंगे और सभी प्रश्न आपके पूछे होंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं। सभी लोग जो बच्चे लेट आते हैं, 9 बजे आते हैं, वो आपको 8:30 बजे आया करिए। सभी के लिए धन्यवाद। जय हिंद।